गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। हमारी क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट चल रहा था। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट्स अब आपके आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया उसे जाके देख लें, उसके बाद ही, क्योंकि आपका ये आपको आगे का पार्ट समझ में आएगा। ये आपका पार्ट 4 है, इसके बाद एक और पार्ट होगा और कम्प्लीट हो जाएगा ये आपका चैप्टर। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रिंटेड फॉर्म नोट यानी कि जो हैंड रिटन है एक्चुअल में, उसको मैं इस पर अपलोड कर दूंगा और उससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार क्वेश्चंस को पुट करना, क्वेश्चन के आंसर्स को पुट करने हैं। और कोई इन्विजिलेटर अगर कोई आपसे यानी कि टीचर्स आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसे किस तरीके से उसका जवाब देना है, उसमें क्या वर्ड्स होने चाहिए, बाकी सब चीज़ें उसमें इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, तो पहले चैप्टर ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, नोट्स को देखते हैं अच्छी तरीके से, डेफिनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स को। और एक्स्ट्रा रेस में आगे रहने के लिए हमें से पढ़ना नहीं है कि हम सेकंड थर्ड आए, हम रेस में आगे रहना चाहते हैं। सो शुरू करते हैं। देखिए, आपकी बात चल हो गई थी आपकी, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। यहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में अगर देखा जाए इस वाले में, न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो हमने इस प्रोसेस के बारे में समझा था। उसके बाद ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं ये समझा था, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझा था। उसके बाद और क्या चीज़ें समझी थी, भोजो और पहेली जो कह रही हैं वो क्या कह रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझा था। ठीक है, इसके बाद क्या था, सेल के बारे में बात हुई थी। ठीक, उसके बाद फोटोसिंथेसिस में कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या थी, रॉ मटेरियल्स, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है, इन चीज़ों को देखा था। ठीक है, स्टोमेटा स्टोमा को समझा था, स्टार्च एक तरह कार्बोहाइड्रेट ही है, स्टार्च को पता लगाने के लिए हम लोगों ने आयोडीन टेस्ट के बारे में बात की थी, समझा था। और लीव्स अलग अलग पैचेस अलग अलग डिफरेंट कलर्स के क्यों होते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली मास्क कर लेते हैं, किसको, ग्रीन कलर के ऊपर हो जाते हैं, यानी कि मास्किंग द ग्रीन कलर, समझ रहे हैं। ये सब चीज़ें हमने बात की थी। एल्गाई के बारे में बात किया था, ये क्या चीज़ है, इसका फंडा क्या है, क्या इसके पास भी ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल का, ये फोटोसिंथेसिस करता है कि नहीं करता है, फूड कैसे प्राप्त करता है, ऑब्वियस है फूड एल्गाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही प्राप्त करता है। ये सब चीज़ें बात की थी। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन बात किया था, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बात किया था, इसके अंदर होस्ट, पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस प्लांट का कटा जिसमें अमर बेल, देन वीनस फ्लाई ट्रैप, इसमें वैसे एग्जाम्पल दिया नहीं है, उसको भी इंक्लूड करना चाहिए था, और पिचर प्लांट, इनको पढ़ा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते करते आ गए थे आपके सेप्रोट्रॉप्स पर। सेप्रोट्रॉप्स होते क्या, अगर देखिए यहाँ पे आपका सेप्रोट्रॉप्स लिखा है, ठीक है, अगर यहाँ पे सेप्रोट्रॉप्स लिखा है उसी तरीके से, पुराने तरीके से जैसे अभी किया था पिछले क्लासेस में, सेप्रोट्रॉप्स लिखा है तो यहाँ पे क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता है, सेप्रो, एक सेकेंड, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या नहीं हो सकता है यहाँ पे, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो देखते हैं फिर आगे क्या चीज़ें हैं इसमें, चलिए बढ़ते हैं आगे और पलटते हैं दूसरा पेज, छठा पेज, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अब कहानी आपके पीछे जो लाइन थी मैं आपको बता देता हूँ, वो था कि यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन अ वेजिटेबल मार्केट। ठीक है, ये बोल रहा है यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे मशरूम के जो पैकेट्स होते हैं, कुछ मशरूम के पैकेट्स को आपको वेजिटेबल मार्केट में सोल्ड बिकते हुए देखा होगा। यू मे हैव सीन द फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोन इन द मॉइस्ट सॉइल। ओहो, मॉइस्ट सॉइल बोला, चलिए फटाफट एक पॉइंट लिखते हैं इसका, मॉइस्ट सॉइल यानी कि नमी वाला, मॉइस्ट सॉइल और ऑन रॉटन वुड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ओके, रॉटन वुड, रॉटिंग वुड मतलब सड़े गले लकड़ियाँ, यानी कि ये जो दो चीज़ें हैं इसमें वो कहना क्या चाह रहा है, यानी कि ये जो मशरूम है, जो मशरूम आपका फ्लफी लाइक अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं, ये आपका मॉइस्ट सॉइल यानी कि नमी वाली मिट्टी और रॉटन वुड्स यानी कि सड़े गले जो सड़ रहे होते हैं, कौन से वुड, लकड़ियाँ, वहाँ पे हम लोगों को ये MUSHROM मशरूम नाम का चीज़ मुझे मिलता है और हम इसे वेजिटेबल में इंक्लूड करते हैं।
मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूँ, मशरूम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यही मशरूम और क्या बोलता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये थोड़ा फ्लफी सा होता है, ऑब्वियस है फ्लफी होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोग खाते ही हैं मशरूम, वाइट मशरूम, ठीक है। मशरूम भी बहुत तरीके के होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है, तो कृपया इसको ध्यान देंगे। तो फ्लफ़ी होता है और कैसा होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है, छाता की तरह होता है, छतरी से हम बोलते हैं, अम्ब्रेला लाइक पैचेस, पैचेस मतलब उस तरीके ऊपर का जो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, इन चीज़ों का कहानी है इसमें। फिर आगे बोलता है वो हमसे कि लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि किस प्रकार का न्यूट्रिएंट वो मशरूम ग्रहण करता है, किस प्रकार का न्यूट्रिएंट उसको चाहिए ग्रो होने के लिए। अच्छा, ग्रो होने के लिए, चलिए देखते हैं। और दे नीड टू सर्वाइव, बिल्कुल से सर्वाइव करने के, ग्रो क्या, सर्वाइव ही तो है, फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और वो कहाँ से वो न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। अच्छा, तो ये है कहानी, देखते हैं फिर क्या। ये जरा डायग्राम देख लेते हैं, पैकेट ऑफ मशरूम, ये पैकेट दिया हुआ है, ये आपका मशरूम दिखा रहा है, ठीक है। भोजो और पहली पे हम बाद में आते हैं, हमेशा उसी तरीके से बाद में आएंगे। तो जरा पहले एक्टिविटी देखते हैं, फिर मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, टेक अ पी, ये जो एक्टिविटी है ना, इसी में आपको मिल जाएगा सारा आंसर। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट। अच्छा, ब्रेड लिया, उसको थोड़ा पानी छिड़क के मॉइस्ट कर दिया विद वाटर, ओके, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस। अच्छा, थोड़ी नमी वाली जगह पे, और नमी और गर्मी, जैसे ह्यूमिडिटी हम बोलते हैं ना, ह्यूमिडिटी, सीधा बात क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो कैसा अजीब सा लगने लग जाता है, एकदम चिपचिपा सा हो जाता है हमारा फेस एकदम, उस तरह वही वाला कह रहा है। मॉइस्ट वार्म प्लेस में 2 से 3 दिन तक हम उसे छोड़ देते हैं, ठीक है, और या फिर अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर्स ऑन देम। फ्लफी पैचेस, ये इसी तरह का फ्लफी पैच, ये मशरूम की ही बात कर रहा है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस, ऑब्जर्व करेंगे हम, बिल्कुल सही, ऑब्जर्व द पैचेस अंडर माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक, यू विल सी अ कॉटन थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। वो कहना चाहता है कि जब आप यहाँ पे मान लीजिए ये आपका कोई मॉइस्ट एरिया है, उस पर इस तरीके से फ्लफी पैचेज आपके उग गए हैं, ठीक है। अब जब आप इसको मॉइस्चर में, सॉरी माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो यहाँ का जो ये स्ट्रक्चर है, ये आपको इस तरीके से दिखेगा, थोड़ा थोड़ा कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा ना, पतला पतला सा, ठीक है, इस तरह का ये दिखता है। तो इससे हम कंफर्म होते हैं कि हाँ, यहाँ पे कुछ है। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फंगाई कहते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये फंगाई हो गया। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके पास एकदम डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन ये ग्रहण करते हैं। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ओके, तो यानी कि ये जो ब्रेड है आपका, यहाँ से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब्स। चलिए, कुछ तो मिल गया आंसर यहाँ, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द ब्रेड। This mode of nutrient in which organism take its nutrients from a dead and decaying matter. Okay, ये जो nutrient absorb कर रहे हैं यहाँ पर, ये dead and decaying matter से कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो matter है या जो सामान है जिससे वो अपना ग्रहण कर रहे हैं खाना या nutrition ले रहे हैं, वो dead and decayed है। अच्छा, dead and decaying, यानी कि सड़ रहा है वो एक तरीके से। डेड एंड डिकेइंग मैटर दैट इज कॉल्ड द सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इस प्रकार के न्यूट्रिशन ग्रहण करने के मोड को सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए, हमें आंसर मिल गया। अभी स्टार्टिंग में जो हमने बोला था सेप्रोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉपिक वाली जो बात की थी, इसे हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑब्वियस है। और जो यहाँ पे सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा होगा उसे क्या कहेंगे, सेप्रोट्रॉप्स कहेंगे, ठीक है। और ये लिख दिया, सच ऑर्गेनिजम्स विच सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। तो हमारा ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो यानी कि हमने समझा कि ये जो मशरूम है, इसी तरीके से डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ग्रहण करता है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, और इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, एज अ
ये ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, फंगाई कहते हैं, और क्या कह सकते हैं अगर सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है तो इन्हें हम लोग सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है कहानी, फंगाई की बात आती है फिर से। अच्छा चलो, फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, पिकल अचार, लेदर यानी कि चमड़ा, क्लोथ, लेदर क्लोथ कपड़े में, एंड अदर आर्टिकल्स, दे आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। ओहो, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, यानी कि इससे कुछ हमारा निकल सकता है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर से फंगाई को इसमें रिलेट किया गया। अभी तो हमने पढ़ ही लिया, बट कोई बात नहीं, थोड़ा देखते हैं, मज़ा आएगा इस कहानी में, कुछ ट्विस्ट भी तो होना चाहिए। वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉयल मेनी थिंग्स। अच्छा, इसके साथ आ गया रेनी सीजन भी आ गया, चलिए देखते हैं रेनी सीजन की भी कहानी क्या है इसके साथ। रेनी सीजन दे स्पॉयल मेनी थिंग्स, आस्क योर पेरेंट अबाउट द मैनस ऑफ द फंगी। मैनस का मतलब होता है शैतानिया, समझ गए, मैनस जो आप लोग करते होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मैनस ऑफ फंगी इन और इन और इन योर हाउस, द फंगाई फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। अच्छा अच्छा, वेन दे लैंड ऑन, वेन दे लैंड ऑन इसके आगे आपका वेट, लेट ऑन वेंड एंड वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। अब देखते हैं आगे क्या है, इसके आगे देखेंगे इसके बाद, मगर पहले जितना पढ़ा है हम लोगों को जो उसको समझ लेते हैं कि फंगाई हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में ही सर्वाइव कर सकता है। फंगाई जो है आपका ये हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में ही सर्वाइव कर सकता है, और यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कब होता है, ऑब्वियस सा है, रेनी सीजन में, ठीक है। अब देखते हैं, और ये जो फंगाई है आपका, ये जो अपना जर्मिनेशन करता है आगे, जर्मिनेशन बोल रहा हूँ, ये आगे जो रिप्रोड्यूस करेगा तो ये स्पोर से करता है, स्पोर से, इसमें स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे इस तरीके के, ठीक है। ये हवा के माध्यम से किसी खाने के ऊपर चले जाते हैं, और जब इन्हें न्यूट्रिएंट मिल जाता है तो ये क्या करते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इन सबको क्या, ये कहाँ से कैसे ग्रो करते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं इनके, फंगल स्पोर्स की मदद से, देख लेते हैं। तो फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर, बिल्कुल सही, अभी हम बात कर ली, व्हेन दे लैंड ऑन, अब वो लैंड ऑन किस पे बोल रहा है, जरा आगे देखते हैं फटाफट, व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। अच्छा, किसी भी गीली चीज़ पे या वेट एंड वार्म थिंग पे जब वो आते हैं तब वो वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, ऑब्वियस है, ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। क्यों करना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उसको खाना मिल रहा है, डेड एंडिंग ऑर्गेनिज्म से वो खाना ले रहा है। नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। अब वो कहता है कि अब आप इसका पता लगाइए कि आप किस तरीके से खाने को बचा सकते, ऑब्वियस हम खाने को कैसे बचा सकते हैं, अगर हम उसे फ्रिज में रख दें या ठंडी चीज़ पे रख सकते हैं, और ठंडी में अभी आज के हिसाब से, अब इस ज़माने के हिसाब से क्या बात करेंगे हम, जहाँ जिस स्थिति में अभी रह रहे हैं, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम फ्रिज में ही तो रखते हैं ना सामान, तो फ्रिज में रख देंगे आप, और क्या कर सकते हैं, ढक के रखें अपने सामान को, खाने को क्या कर सकते हैं, ढक सकते हैं लिड लगा के, ठीक है, इससे आप फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं, जरा पीछे जाते हैं, और भोजू और पहेली ने क्या बात की थी पेज नंबर 6 पे, इससे पिछला वाला जरा देख लेते हैं फटाक से। तो भोजू वांट्स टू नो, भोजू देख रहे हैं, भोजू वांट्स टू नो कि दीज ऑर्गेनिजम्स, एक मिनट से हटा दूं, भोजू वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिशन, दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल डू, दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। वो यही पूछ रहा है भोजू आपसे, भोजू यहाँ पे हम लोगों से क्वेश्चन ये कर रहा है कि अरे सर ये तो देखते हैं जरा, भोजू का देखें जरा क्या बोल रहा है वो, अरे तो गलत हो गया, भोजो वही पूछ रहा है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं अभी जिनके हम लोगों ने बात की, हमने तो कहानी ख़त्म भी कर दी, चलो कोई बात नहीं, इसको फिर से जवाब दे देते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये अपने न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार ग्रहण करते हैं, ऑब्वियस सा ये स्पोर फॉर्म करते हैं, और ये छोटे छोटे स्पोर्स किसी डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म पे जाते हैं, और यहाँ से वो सेप्रोफिटिक ट्रॉपर मोड ऑफ न्यूट्रिशन करके वो आगे ग्रो करते हैं, जिसमें आप लोगों ने अभी देखा था ये छाता कहने का, एकदम शुद्ध हिंदी में अगर देखें तो छाता, मशरूम, ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, या फंगाई बोल सकते हैं इसको, आप और क्या बोल सकते हैं, अ टाइप ऑफ फंगाई, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं।
चलिए पहेली को देख लेते हैं. पहेली इज नीड टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शू व्हेन शी वोर इन अ स्पेशल ओकेशन दैट्स वाज स्पॉइल्ड बाय फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन. शी वांट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर्स सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन के अंदर ये फंगाई किस तरीके से आ जाता है, वो पहेली ये पूछना चाह रही है. अब देखिए रेनी सीजन में आपको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिल रहा है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिल रहा है. अब हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिल रहा है तो ये सबसे अच्छा ग्रो करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे फ़ायदेमंद है, ये है सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद फंगाई. और फंगाई ही तो है जो उसकी बात कर रहा है. ब्राउन कलर का भी होता है, कभी कभी ये ध्यान देंगे आप कि ये ब्राउन कलर का भी होता है, वाइट कलर का भी होता है, ठीक है, काफ़ी कलर्स के होते हैं, ग्रीन पैचेस टाइप भी होते हैं कहीं कहीं, आप कभी ध्यान देंगे तो देखिएगा. चलिए ठीक है, ये हो गया. अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पॉइंट पे, इस यहाँ पे आ जाते हैं. देखें इसमें क्या लिखा है, भोजू इस पर लास्ट में जब हम पूरा पेज कंप्लीट करते हैं तब यहाँ तक करेंगे, उसके बाद देखेंगे भोजू क्या पूछ रहा है. भोजू पहली एक साथ, अच्छा क्या है अभी देखते हैं. चलिए इसको वेट एंड वार्म तक हमने बात कर ली. थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो कॉन, ये किसकी बात कर रहा है, इस पूरे लाइन के अंदर ये जो बात हो रही है ये आपकी फंगाई के बारे में बोल रहा है वो, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स बाय गेटिंग सोल, हो गया ठीक है. देखिए सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड, ये अलग आ गया, ये बिल्कुल ही डिफरेंट पैरा है, ठीक है. यहाँ से एक अलग कंटेंट शुरू हो रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे आप. देखिए सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर ओके एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, अच्छा अच्छा, यानी कि भाई 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 बहन का रिश्ता या भाई भाई का रिश्ता, इस तरीके से आराम से एक साथ रह रहे हैं मिलजुल के एक ही घर में. चलिए देखते हैं आगे क्या है. दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस ओके, यानी कि हमने यहाँ से एक चीज़ ये समझी कि ये जो सिम्बायोसिस वाला वर्ड है, SYMBIOSIS, ये सिम्बायोसिस का मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कोई ऑर्गेनिजम्स कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट एक दूसरे के साथ क्या खाते हैं, शेयर करते हैं, जब वो शेयर करते हैं तब वहाँ पे एक रिलेशन बनता है उन दोनों उन सब के बीच, उसे हम लोग सिम्बायोसिस रिलेशन बोलते हैं. या फिर इसे और अच्छी भाषा में अगर याद करना चाहते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा तो उसे सिम्बायोटिक रिलेशन भी कहा जाता है. जरा लिख के दे दिखा देता हूँ आपको, SYMBIOTIC सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ये एल्गाई में आप देखेंगे या फिर आप लोगों ने देखा होगा वो लाइकन और फंगाई का जो रिलेशन होता है वही है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये लाइकन और फंगाई लाइकन वाला है जिसमें फंगाई और एल्गाई मिक्स होते हैं. अभी बताऊंगा अगर आता है तो, नहीं तो ऐसे भी एक्स्ट्रा बताऊंगा ही आपको. आगे देखते हैं सिम्बायोसिस के बाद. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट, कुछ फंगाई जो होते हैं वो प्लांट्स के रूट में रहते हैं. रूट किसके, प्लांट के, उसमें रहते हैं. अच्छा एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन, और उसके रिटर्न में फंगाई को खाना मिल जाता है पौधे से, ठीक है, और उसके रिटर्न में और रहने भी मिल रहा है उसको, घर मिल गया. प्लांट बोल रहा है हाँ ठीक है तुम मेरे जड़ में रह लो, रूट्स में रह लो, और उसके बदले में तुमसे क्या लूँगा. दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, तो फंगाई क्या प्रोवाइड करता है उनको, वाटर प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को, और साथ ही साथ कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है. आगे देखिए क्या लिखा है. इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकन, अच्छा एक लाइकन का एग्जांपल आ ही गया, चलिए देखते हैं लाइकन के बारे में बात क्या कर रहे हैं वो. इन ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइकन कॉल लाइकन इन द इट, ये क्या लिखा है एक सेकंड रुकिए जरा, ओके अ क्लोरोफिल कंटेनिंग, अच्छा अच्छा ये बात है, चलो देखते हैं इसमें क्या है. फिर से देखिए जरा, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल लाइकन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गाय, ओके तो ये लाइकन के अंदर, ये लाइकन जो है पूरा, इसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है आपका, कौन है यहाँ पर, फंगाय या एल्गाय. देखिए जरा अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गाय, अच्छा चलो ठीक है, ये वही एल्गी की बात कर रहा है सिंगुलर में, एल्गाय एंड अ फंगस लिव टुगेदर. अच्छा देखो एल्गा क्या है, एल्गा के पास क्लोरोफिल पिगमेंट है,
और फंगाई के पास कुछ भी नहीं है, मगर फंगाई खाना बना सकता है। ठीक, जो लाइकन है ना वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यहाँ पे लाइकन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस जो आपकी बुक में लिखा है, किसके बीच है ये? एल्गाई और फंगाई के बीच में है, जब ध्यान दीजिएगा, एक साथ रह रहे हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में, यही बता रहा है आपको। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस, फंगाई जो है या फंगस जो है वो आपका शेल्टर प्रोवाइड करता है। अच्छा ठीक है, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स, किसको? एल्गाई को। एंड इन रिटर्न द एल्गाई प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। यानी कि मुझे इसमें समझ में आया कि फंगस जो है उसका काम है, क्या का काम है यहाँ पे? एल्गाई को शेल्टर प्रोवाइड करना, पानी वाटर प्रोवाइड करना और थोड़े कुछ डिफरेंट मिनरल्स प्रोवाइड करना। ठीक है, ये हो गया मेरा। चलिए, और यहीं पे जब मैं बात करूँ एल्गाई की, एल्गाई की बात करूँ, एल्गा की, एल्गस या एल्गा जो भी बोलें आप, एल्गी, उसके बात करूँ तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? वो यहाँ पे फूड तो प्रिपेयर कर रहा है, कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होंगे, इसलिए भी तो बोल रहा है फूड प्रोवाइड कर रहा है, फूड बना रहा है, खाना बना रहा है, और साथ ही साथ वो क्या और क्या प्रोवाइड कर रहा है, कुछ कर रहा है और यहाँ पे बताइए, देखिए कुछ है तो वर्ड नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, प्रिपेयर एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। चलो ठीक है फिर, तो यानी कि वो पूरे के पूरे उसमें कहानी हमारी ये बात आ रही है लाइकन के अंदर, कि इसमें फंगस और एल्गाई का सिम्बायोसिस रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। फंगस यहाँ पे शेल्टर, वाटर, मिनरल दे रहा है एल्गाई को, और एल्गाई यूज़ कर रहा है उन वाटर और मिनरल्स को फूड बनाने के लिए। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। आगे देखते हैं, आगे है 1.5 पॉइंट आपका, बोलता है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। ये बिल्कुल ही अलग कंटेंट है, इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, बट उससे पहले जरा भोजू का देख लें, भोजू क्या पूछ रहा है यहाँ पर, चले देखते हैं। भोजू सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम हिज वीट फील्ड वर स्पॉइल्ड बाय अ फंगस, ही वांट टू नो इफ फंगस कॉज डिजीज आल्सो। बिल्कुल सही, देखिए क्या होता है ना, फंगस यहाँ पर भोजू पूछ रहा है कि उसने ना अपने ग्रैंडफादर का वीट का फील्ड देखा और देखा कि बहुत सारे क्रॉप्स उसने वीट के स्पॉइल कर दिए, खराब कर दिए, तो वही भोजू सोचने लग गया कि क्या फंगस डिजीज भी कॉज करता है। तो पहेली उसका जवाब देते हुए वो कहती है कि पहेली टोल्ड हिम दैट मेनी फंगस लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। यानी कि यहाँ पर जो यीस्ट वाला जो फंगस है और मशरूम टाइप, देखिए फंगाई के अंदर ही दो अलग अलग आ रहा है कि यीस्ट भी फंगाई है, मशरूम भी फंगाई है, ये यूजफुल है, मगर देखिए कुछ जो फंगस होते हैं ना वो डिजीज कॉज करते हैं, इसलिए लिखा है बट सम फंगस कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी, सम फंगाई आर कॉल्ड आर ऑल्सो यूज इन मेडिसिन। यानी कि इसमें इससे हमें बड़ा एक अच्छा पॉइंट सा मिल गया कि फंगाई जो है वो कई प्रकार के होते हैं, एक तो यूजफुल भी होते हैं, ठीक है, डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, ठीक है, और डिजीज़ को ख़त्म करने वाले भी होते हैं, यानी कि मेडिसिनल भी होते हैं, मेडिसिंस भी इनसे बनता है। अच्छा, यानी कि सब अच्छे नहीं होते हैं, इसका मतलब यही है। चलिए, तो और क्या इससे हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे दो एग्जांपल दिया था यीस्ट एंड मशरूम का, तो यीस्ट एंड मशरूम हम कह सकते हैं कि हमारा ये यूज़फुल फंगस है, यूज़फुल फंगाई है, यूज़फुल है, ठीक है। यीस्ट तो आपने देखा होगा केक्स में जो डालते हैं फ्लफीनेस के लिए, तो यानी कि हमें समझ में आया कि हाँ कुछ फंगस डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं, जो कि एनिमल ह्यूमंस में भी डिजीज़ कॉज करते हैं, और वही भोजू के दादाजी के वीट के फील्ड के क्रॉप्स को ख़राब करने का जिम्मेदार था। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन में आपने कहाँ बात कर सकते हैं, कैसे वो कॉज कर रहा है, देखिए कभी कभी आपने देखा है एथलीट फुट हो जाता है, एथलीट फुट बोलते हैं जो बहुत पैर बहुत ही अजीब सा रॉटन जैसा स्मेल करने लग जाता है, तो वहाँ पे ना फंगाई ही होता है जो मॉइस्ट बन जाता है ना हमारा, उस समय हम जो जूता पहनते हैं बहुत देर तक शूज़ पहन के रखते हैं, तो अंदर पसीने की वजह से यानी कि लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे वहाँ पे एक मॉइस्ट एरिया बन जाता है, मॉइस्ट हो जाता है वहाँ पे एनवायरनमेंट, और उसकी वजह से क्या हो जाता है उस एरिया में हमारे पैरों में फिर क्या होने लग जाता है, फंगस लगना शुरू हो जाता है, कहीं से स्पोर आके आ गया उसके अंदर जूते के अंदर, तो फिर वहाँ पे उसको मिलने लगे न्यूट्रिएंट, तो वो बढ़ने लग गया, तो वही स्पॉइल कर देता है वहाँ पे, वही रॉटन सी स्मेल इसी की वजह से होती है। ठीक है, ये भी आप जान सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल पढ़ेंगे, उसके बाद इससे हम एंड करेंगे, साथ साथ फिर हम क्वेश्चन करके इसे
खत्म करेंगे इस चैप्टर को, फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो ठीक है फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग. मस्ती कीजिए और लर्न, ग्रो एंड सक्सीड. चलिए मिलते हैं.